बीच ब्रिटेन की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर अमेरिका अड़ंगा नहीं लगाता तो अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को 9/11 हमले से पहले ही मार दिया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पर एयर स्ट्राइक करने की पूरी तैयारी ब्रिटेन ने पहले से कर रखी थी, जिसे ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से साझा किया था। ब्रिटेन का आरोप है कि तब अमेरिका ने लादेन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न होने की बात कहते हुए इस प्लान को टाल दिया था। लेकिन फिर अचानक 20 अगस्त 1998 को बिल क्लिंटन के आदेश पर ही अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में हवाई हमला कर दिया, जिसका मकसद तो लादेन को मारना था, पर इसमें अमेरिका नाकाम रहा और ओसामा बिन लादेन भागकर अफगानिस्तान में ही कहीं छिप गया। और ब्रिटेन का आरोप है कि इसी का बदला लेने के लिए उसने अमेरिका के खिलाफ 9/11 हमले की साजिश रची थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। जो हुआ इस हमले के करीब 9 महीने बाद, यानी अगर ब्रिटेन अपने प्लान में कामयाब हो जाता तो इस आतंकी हमले से 9 महीने पहले ही लादेन का खात्मा तय था। ब्रिटेन का आरोप है कि अमेरिका ने वाहवाही लूटने के चक्कर में बगैर पूरी तैयारी के लादेन पर हमला बोला, जिससे वो न सिर्फ बचने में कामयाब रहा बल्कि अपने उस अड्डे पर लौटकर भी कभी नहीं आया जहां उसके होने की खुफिया जानकारी ब्रिटेन को मिली थी। इधर हिमाचल प्रदेश में शपथ ग्रहण के 20 दिन बाद भी कांग्रेस सरकार मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाई। सूत्र बता रहे हैं ये देरी गुटबाजी की वजह से हो रही है, यानी विधानसभा चुनाव जीतकर भी कांग्रेस बीजेपी को उस पर हमला करने का मौका दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम ने तो शपथ ले ली है लेकिन उनके मंत्रिमंडल का 20 दिन बाद भी कुछ पता नहीं। सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा राज्य के कुछ बड़े नेताओं की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनकी वजह से इस बार के चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों की दावेदारी घाटे में आ गई। हालांकि आलाकमान को जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद है, आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। अब मंत्रिमंडल विस्तार तो देर सवेर हो जाएगा लेकिन इससे 5 साल बाद सत्ता में लौटी हिमाचल कांग्रेस की गुटबाजी की कलई खुल गई, जिसने बीजेपी को खुश होने का मौका दे दिया, क्योंकि हिमाचल विधानसभा चुनाव तो कांग्रेस जीत गई लेकिन लोकसभा चुनाव में ये गुटबाजी उस पर भारी पड़ सकती है और बीजेपी को जीत का स्वाद चखा सकती है। उधर चीन ईरान में भारत के निवेश वाले चाबहार बंदरगाह का फायदा उठाने में लगा है। ईरान ने इस बंदरगाह पर चीन के जहाजों को एंट्री दे दी है। इसके बाद ईरान के मीडिया ने दावा किया कि चीन ने पहली बार अपना मालवाहक जहाज सीधे चाबहार बंदरगाह पर उतार भी दिया। इससे चीन का लोडिंग का खर्च भी कम होगा और चीन का माल उसके खरीदार तक जल्दी पहुंच जाएगा। इससे पहले तक चीन के जहाज सामान लेकर ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पहुंचते थे और फिर वहां से सामान को छोटे जहाजों में लादकर चाबहार तक ले जाया जाता था, लेकिन ईरान से डील करके चीन ने चाबहार बंदरगाह तक अपनी पकड़ बना ली। रक्षा विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि चीन चाबहार पर ही नहीं रुकेगा, वो ईरान के साथ मिलकर साजिशें रच सकता है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। और हादसा उस वक्त हुआ जब एक हेलीकॉप्टर गोल्ड कोस्ट के समंदर किनारे उतर रहा था जबकि दूसरा उड़ान भरने वाला था, तभी दोनों हेलीकॉप्टर टकरा गए जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम फौरन वहां पहुंची और हेलीकॉप्टर में सवार लोगों के रेस्क्यू में जुट गई। उधर रूस के साथ चीन के गठजोड़ पर अमेरिका भड़का तो चीन ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। चीन ने अमेरिका को जवाब देते हुए साफ कह दिया कि रूस और उसके संबंधों में किसी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं होगा और अमेरिका उसे रूस के साथ दोस्ती पर ज्ञान देना बंद कर दे। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को खरी खरी सुनाते हुए उल्टे उस पर ही आरोप लगा दिया। चीन के मुताबिक अमेरिका खुद उसके खिलाफ कई देशों को एकजुट करने में लगा हुआ है। चीन ने दावा किया कि बीजिंग और मॉस्को की दोस्ती से अमेरिका जल रहा है, क्योंकि उसे इस बात से चिढ़ हो रही है कि चीन और रूस मिलकर उसे चुनौती दे सकते हैं। चीन ने यह आरोप भी लगाया कि अमेरिका तोड़ने वाली नीति पर काम करता है ताकि वो मजबूत हो और दुनिया पर एक छत्र राज कर सके।